और इस वक्त खबर बिलासपुर से, जहां पर भीमा मंडावी हत्याकांड का ये मामला है। मामले में शासन को बड़ा झटका लगा है। हत्याकांड मामले की जांच एनआईए ही करेगी। शासन की रीट अपील कोर्ट ने ये खारिज किया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी है। जस्टिस आरसी सामंत की सिंगल बेंच ने पहले ही भीमा मंडावी मामले की जांच के दस्तावेज एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए थे। सरकार को नहीं मिली है सफलता। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। भीमा मंडावी हत्याकांड का मामला है, आपको बता दें, बिलासपुर से खबर। हत्याकांड मामले की जांच एनआईए ही करेगा, कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। शासन की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें, सरकार को अब सफलता नहीं मिलेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? ये मामला बड़ा सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से भीमा मंडावी बीजेपी के विधायक है, उसकी हत्या हुई थी, नक्सलियों ने हत्या की थी। इस मामले में राज्य सरकार चाहती थी कि वो उनकी एजेंसी है, यहाँ वो पुलिस जांच करे और जो उसके द्वारा इसका जांच हो। लेकिन इस मामले को लेकर के एनआईए में जो बीजेपी के कालीन नेता थे, उन लोगों ने दिल्ली से केंद्र सरकार से मांग की थी कि एनआईए मामले की जांच करे, सीबीआई से जांच करे। तो एनआईए ने मामले को जांच के लिए लिया था, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में एनआईए जो दस्तावेज है वो नहीं सौंप रही थी। राज्य सरकार का ये कहना था कि वो जो जांच है, वो विधायक की जांच है, वो राज्य सरकार उसको करने के लिए सक्षम है। एनआईए का इसमें जो अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है, वो इस पे नहीं है। वो राज्य सरकार को इस पे दबाव नहीं बना सकती। इसके खिलाफ में जो एनआईए ने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ में एनआईए ने हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल की थी, और इसके बाद सिंगल बेंच से इस मामले में लगा था। सिंगल बेंच से इस मामले में राज्य सरकार को आदेश भी दिया था कि दस्तावेज जो एनआईए को सौंपे और मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी। लेकिन सरकार ने दस्तावेज सौंपने के बजाय इसको सरकार डीपी में जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको डीपी में चुनौती दे दी। तो डीपी ने जो आज इस मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश किया है कि मामला दस्तावेज पूरी तरीके से जो एनआईए को दिया जाए और जो जांच है वो एनआईए ही करेगी। तो एक बड़ा झटका शासन की तरफ से। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाने को तैयार है। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा जो है वो इस मामले को जो डिवीजन बेंच के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा कर लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, उस जानकारी को साझा करने के लिए।